एबीपी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम करने वाली महिला की आत्महत्या मामले में जांच अब आगे बढ़ चुकी है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब खंडाला घाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। उधर डॉक्टरों की लापरवाही से हुई महिला वकील की मौत को कोरोना से मौत बताकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 6 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अब एक राहत भरी खबर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में दीपावली के त्योहार के बाद कोरोना रोधी टीके का केवल एक डोज लगा चुके लोगों को भी गतिविधियों के लिए छूट दी जा सकती है। बात राजनीति की करें तो नांदेड़ की देगलूर सीट पर होने वाले विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार की सहयोगी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के आसार बन गए हैं। नांदेड़ के पूर्व सांसद तथा भाजपा वरिष्ठ नेता भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि अब वे कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम करने वाली महिला की आत्महत्या मामले में जांच अब आगे बढ़ चुकी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दृश्य ऐसा लगता है कि महिला अधिकारी रश्मि आशुतोष मिश्रा ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की होगी। इस मामले में पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के जिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसका नाम अजीत मीलू है। महिला के पति भी राजस्थान में कर्नल के पद पर तैनात है। कर्नल ने अपने एफआईआर में बताया कि आरोपी ब्रिगेडियर का उसकी पत्नी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ब्रिगेडियर महिला को परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था। वह महिला को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा था। बयान में कर्नल ने कहा कि दिवंगत महिला अधिकारी और उसके बीच में आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दायर की गई है। महिला ने इस साल मई के महीने में अपने पति को ये बताया था कि ब्रिगेडियर उसकी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने वाला है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 306 के मुताबिक मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की छानबीन शुरू है। कर्नल के मुताबिक महिला काफी तनाव में नजर आती थी। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये दुर्घटना खंडाला घाट के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 7 गाड़ियां एक दूसरे से आपस में बुरी तरह से टकरा गई। हालांकि इस दुर्घटना में 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और कुछ वाहन चालकों ने गाड़ियों में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिस की मदद की। इस सड़क दुर्घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खंडाला घाट पर अक्सर वाहनों को सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। कई बार खतरनाक मोड़, धुंध और तेज रफ्तार की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। दरअसल खूबसूरत घाटियों में बसा खंडाला पर्यटन की दृष्टि से सुप्रसिद्ध है। ये मुंबई पुणे का बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है। ऐसा आभास होता है जैसे पहाड़ बादलों को छू रहे हैं। इसकी इसी रमणीयता के कारण लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, मगर यह घाटी काफी खतरनाक है और इसी कारण आए दिन हादसे सुने जाते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई महिला वकील की मौत को कोरोना से मौत बताकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पनवेल न्यायालय के आदेश पर वाशी और पनवेल के 6 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि महिला वकील अश्विनी थवई को मई में पनवेल के पटेल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। जब उनका ऑपरेशन किया जा रहा था तभी अचानक उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पटेल अस्पताल से रेफर कर वाशिम के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अश्विनी को एक दिन ICU में रखा गया और दूसरे दिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर पटेल अस्पताल में अश्विनी को ऑपरेशन से पहले बेहोशी की ज्यादा दवा दी गई थी और ऑपरेशन के दौरान उनका खून ज्यादा बह गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मरने के बाद अश्विनी को गांधी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था, जहां अश्विनी को जीवित बताकर एक दिन भर्ती रखा गया था और दूसरे दिन मृत बताया गया। उस वक्त डॉक्टर ने वाशी के एक प्राइवेट लैब से कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र लाकर परिजन को दे दिया था। शक के आधार पर अश्विनी के पति निशांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में दीपावली के त्योहार के बाद कोरोना रोधी टीके का केवल एक डोज लगा चुके लोगों को भी गतिविधियों के लिए छूट दी जा सकती है। टोपे ने कहा कि दीपावली के बाद अगर कोरोना के मरीजों की संख्या नियंत्रण में रही तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ और ढील देने का फैसला कर सकते हैं। फिलहाल एक डोज लगा चुके लोगों को लोकल ट्रेन और मॉल जैसे प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर पाबंदी है। टोपे ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के आरोग्य सेतु ऐप को सक्रिय करने के बाद उनका स्टेटस ऐप सुरक्षित है और अंकित होगा तो उन्हें गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
टोपे ने कहा कि कोविडशील्ड टीके की एक डोज लगाने के बाद दूसरा डोज 84 दिन के बाद लगाया जाता है। इससे नागरिकों को गतिविधियों के लिए काफी असुविधा होती है। राज्य में अलग अलग त्योहारों को देखते हुए मंदिर, सिनेमाघर, नाट्यघर समेत अधिकांश गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके मद्देनजर दीपावली के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी रहती है, उसी के आधार पर छूट देने का फैसला होगा। नांदेड़ के पूर्व सांसद तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। पाटिल खतगांवकर अब कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। माना जा रहा है कि पाटिल खतगांवकर के कांग्रेस में घर वापसी के लिए प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पाटिल खतगांवकर के कांग्रेस में आने के बाद नांदेड़ समेत पूरे मराठवाड़ा में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बता दें कि पाटिल खतगांवकर भाजपा की ओर से देगलुर उपचुनाव में शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबने को टिकट दिए जाने से नाराज थे। हालांकि उन्होंने भाजपा छोड़ने के लिए नांदेड़ के भाजपा सांसद प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को जिम्मेदार ठहराया है। पाटिल खतगांवकर ने कहा कि मैं देगलुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर के पक्ष में प्रचार करूंगा। पूर्व मंत्री पाटिल खतगांवकर 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके पहले केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पाटिल खतगांवकर ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया था। इसके चलते नांदेड़ की देगलुर सीट पर होने वाले विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार की सहयोगी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के आसार है। सीमा पर पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है तो कश्मीर में आतंकी खून की होली खेल रहे हैं। इसे लेकर लोगों में भारी रोष है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस बीच भारतीय सीमा में नेपाल के विमान के दाखिल होने का मामला सामने आया है। ये विमान भारतीय सीमा में करीब 400 मीटर अंदर तक घुस गया था। उधर केरल में हो रही भारी बारिश ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऊपर से मौसम विभाग ने केरल के अलावा उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो गुजरात के सूरत के कोडोडोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। अब तक 2 मजदूरों की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार सुबह से देश भर में 6 घंटे का रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में किसान सुबह से रेल पटरियों पर बैठ गए हैं। अनेक ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना करतूत के कारण भारत के 9 सैनिक पिछले 1 हफ्ते में शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, इसका अंजाम भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस गलत राजनीति कर रही है। राजस्थान में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। इन मुद्दों पर कुछ नहीं बोलकर लखीमपुर में जाकर वे राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकियों द्वारा एक गोलगप्पे बेचने वाले को निशाना बनाया गया था। शख्स की मौत हो गई थी। बिहार के बांका में रहने वाले इस शख्स के पिता ने भी मांग की है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का जो मैच होना है उसे रद्द कर देना चाहिए। यही नहीं, पंजाब सरकार में मंत्री प्रगट सिंह ने भी कहा कि यह मैच होना नहीं चाहिए क्योंकि बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। भारतीय सीमा में नेपाल के विमान के दाखिल होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नेपाल के भैरहवा गौतम बुद्ध एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान वहां का एक विमान भारतीय सीमा में करीब 400 मीटर अंदर तक घुस आया। भैरहवा स्टेशन ने बताया कि खराब मौसम और लैंडिंग सिग्नल न मिलने से इस तरह की समस्या आती है। जब कभी उत्तर दिशा में मौसम खराब होता है तो प्लेन की लैंडिंग के लिए दक्षिण से आना होता है। विमान के सुरक्षित घुमाव के लिए भारतीय सीमा में जाना पड़ता है। वहीं नेपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों का कहना है कि भैरहवा एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंडिंग के लिए करीब 4 किलोमीटर का दायरा चाहिए। दक्षिण दिशा में महज 3 किलोमीटर दूरी पर ही भारत की सीमा पड़ती है, इसलिए मजबूरीवश विमान को भारतीय सीमा में प्रवेश कराना पड़ता है। प्लेन का पायलट गोरखपुर वाराणसी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेकर भारतीय एरिया में उड़ान करता है। जानकारों ने कहा कि विमान परिचालन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐन मौकों पर कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं और अधिकारी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। केरल में हो रही भारी बारिश ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से केरल में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है।
केरल के अलावा उत्तराखंड में भी 3 दिन भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। IMD ने ट्वीट किया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, औरंगाबाद, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पानीपत, सोहाना के अलग अलग स्थानों पर मध्यम के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। आमतौर पर दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक अगले 48 घंटों तक बारिश होने के आसार है। केरल में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग लापता है। कोट्टायम में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इडुक्की में 9 लोगों की जान गई है। इसके अलावा अल्लापुजा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। केरल में इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। गुजरात के सूरत के कडोडोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के बीच से कई मजदूरों को निकाला गया। अब तक 2 मजदूरों की मौत हुई है, कई अभी भी अस्पताल में एडमिट है। जानकारी के अनुसार 20 लोग आग के लपेटे में आ गए, इनमें से 15 का फिलहाल एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां अब भी मौजूद है। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए कथित तौर पर इमारत से छलांग लगा दी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कडोडोरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और घटना में कुछ कर्मचारी झुलस भी गए हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। कडोडोरा के पुलिस निरीक्षक ने बताया कि वीवा पैकेजिंग कंपनी में तड़के करीब 4:30 बजे आग लग गई थी। आग इकाई की पहली मंजिल पर लगी और तुरंत ही अन्य मंजिलों पर भी फैल गई। इमारत के अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। प्राथमिकता बचाव कार्यों को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार सुबह से देश भर में 6 घंटे का रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में किसान सुबह से रेल पटरियों पर बैठ गए। किसान संगठनों ने आश्वासन दिया है कि उनका रेल रोको आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने भी कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और कुछ ट्रेनों के रूट बदल गए हैं, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश के अलग अलग हिस्से में रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसान अपना विरोध जताएंगे। किसान नेताओं की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि आंदोलन में रेलवे संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आज सभी जगहों पर रेल रोकेंगे। सरकार किसानों की सुन नहीं रही है और यह आंदोलन अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह होगा। पूरे देश में वहाँ के लोगों को पता रहता है कि हमें कहाँ ट्रेन रोकनी है। भारत सरकार ने अभी हमसे कोई बात नहीं की है। किसान आगे की रणनीति भी बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते में क्या कड़वाहट आ रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसे 1 महीने के लिए सभी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। इस बीच IS आतंकी समूह ने कहा कि वे हर जगह शिया मुसलमानों पर हमला करेंगे, उनके घरों और केंद्र पर निशाना बनाया जाएगा। उधर चीन का एक घिनौना सच सामने आया है। मानवाधिकार गुटों का दावा है कि चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर हर साल 1 लाख असंतुष्टों और राजनीतिक कैदियों के हार्ट, किडनी, लीवर और आंख की पुतली निकाल ली जाती है। तो बड़ी खबर ये भी है कि चीन के रूप में उभरती नई चुनौती का सामना करने के लिए भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल साथ आ सकते हैं। इसके लिए इजराइल काफी कोशिश कर रहा है। भारत के लिए खुशखबर ये भी है कि भारतीय वायुसेना के शान बने राफेल फाइटर जेट अब समुद्र में भी करारा वार कर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांस कंपनी दसाल्ट एविएशन नौसेना के साथ इस संबंध में बात कर रही है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसे 1 महीने के लिए सभी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय की सरकारी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने एक परियोजना की बोली के दौरान संबंधित विभाग को जाली दस्तावेज तैयार करने और जमा करने के आरोपों पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है।
एनटीडीसी के महाप्रबंधक के कार्यालय की ओर से जारी कुछ दिन पहले के एक पत्र के अनुसार चीनी फर्म को जाली और नकली दस्तावेज जमा करने के कारण एक महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से सभी एनटीडीसी बोली निविदा प्रक्रिया में काली सूची में डाल दिया गया है और प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है जिसका शीर्षक है इंसुलेटर हार्डवेयर असेंबलियों की खरीद के लिए चीनी फर्म की ब्लैक लिस्टिंग। पत्र की प्रतियां एनटीडीसी के प्रबंध निदेशक, जल और बिजली और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान के एमडी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी को भी भेजी गई है। पाकिस्तान के इस कदम को चीन के साथ रिश्ते को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आईएस आतंकी समूह ने कहा है कि वे हर जगह शिया मुसलमानों पर हमला करेंगे। समूह के अल नबा साप्ताहिक ने चेतावनी दी है जिसमें कहा गया है कि शिया मुसलमानों को उनके घरों और केंद्र में निशाना बनाया जाएगा। ये चेतावनी आतंकी समूह की खुरासान शाखा आईएस के द्वारा कंधार में शिया मस्जिद के अंदर बम विस्फोटकों को अंजाम देने के एक दिन बाद आई है जिसमें 63 लोगों की जान चली गई जबकि 83 अन्य घायल हो गए। इससे पहले कुंदूज शहर की एक अन्य शिया मस्जिद में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी। आईएसके ने हमले की जिम्मेदारी ली थी जो अगस्त के अंत में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से सबसे घातक था। आईएस ने कहा वे आईएसके के खिलाफ ईरान और अन्य देशों का सहयोग और समर्थन करते हैं। आईएसके अब सबसे बड़ा खतरा है जो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार के लिए खतरा बन गया है। इस बीच अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने कथित तौर पर कहा है कि उनके लड़ाकों को मस्जिद की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, खासकर शिया मुसलमानों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इराक और सीरिया से आईएस लड़ाकों के अफगानिस्तान में प्रवेश करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि वर्तमान में युद्धग्रस्त राष्ट्र के उत्तर में 2000 से अधिक सहयोगी हैं। मानवाधिकार गुटों का दावा है कि चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर हर साल 1,00,000 असंतुष्टों और राजनीतिक कैदियों के हार्ट, किडनी, लीवर और आँख की पुतली निकाल ली जाती है। उनके अनुसार सरकार मानव अंगों की तस्करी का नेटवर्क चला रही है और ऐसे लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या का आदेश दिया जाता है। इस साल जून महीने में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों के दल ने चीन में अल्पसंख्यक समूह के लोगों के शरीर से जरूरी अंगों के निकाल लिए जाने पर चिंता जताई थी। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि अल्पसंख्यक बंदियों का जबरन ब्लड टेस्ट कराया जाता है और उनके अंगों का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आदि कराया जाता है। इस दौरान बंदियों से इसकी मंजूरी भी नहीं ली जाती है। वहीं अन्य बंदियों की इस तरह की जाँच नहीं की जाती है। इस जाँच के बाद उस व्यक्ति को डेटाबेस में दर्ज कर लिया जाता है ताकि बाद में उसके अंगों को निकालकर किसी और को लगाया जा सके। पिछले मार्च महीने में ऐसी खबरें आई थी कि चीन मुस्लिम कैदियों की हत्या कर रहा है ताकि उनके अंगों को निकालकर कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा सके। एक खोजी पत्रकार ने दावा किया था कि ऐसी आशंका है कि उइगर मुस्लिम बंदियों को चीनी कोरोना वायरस मरीजों की जान बचाने के लिए डिमांड के आधार पर हत्या कर दी गई। चीन के रूप में उभरती नई चुनौती का सामना करने के लिए भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल साथ आ सकते हैं। इसराइल के विदेश सचिव एलोन उशपीज ने कहा कि अभी तक क्वाड में से किसी ने उनके देश से संपर्क नहीं साधा है मगर वे इसके लिए किसी से भी बातचीत को तैयार हैं। उशपीज ने कहा कि इसराइल चाहता है कि भारत मिडल ईस्ट में बड़ी भूमिका निभाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेल अविव यात्रा शुरू होने से पहले इसराइली विदेश सचिव की क्वाड में दिलचस्पी का एक उदाहरण है कि किस तरह दुनिया चीन के खतरे का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें इन क्षेत्रों में किसी भी बातचीत से जुड़ने में खुशी होगी। मुझे भी इन सारे मसलों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर खुशी होगी लेकिन क्वाड से अभी तक किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। जयशंकर की इस यात्रा से मिले संकेत भारत के सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से एक का भविष्य तय करेंगे। उशपीज ने कहा कि हम भी बड़ी दिलचस्पी से ये देखना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के नए हालात में भारत की भूमिका क्या हो सकती है, जो संभावनाएं बन रही है उनमें भारत को कैसे शामिल किया जा सकता है। आमतौर पर ये क्षेत्र धमकी और चुनौतियों से भरा रहता है लेकिन पिछले साल मैंने मिडल ईस्ट इब्राहिम समझौतों की वजह से व्यापक बदलाव देखे हैं। ये सच में एक रणनीतिक भूकंप है। भारतीय वायुसेना की शान बने राफेल फाइटर जेट अब समुद्र में भी करारा वार कर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन नौसेना के साथ इस संबंध में बात कर रही है। बताया जा रहा है कि राफेल की नौसैनिक संस्करण साल 2022 के शुरुआती दिनों में भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी भारतीय नौसेना के मेगा डील पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दसाल्ट ने भारतीय नौसेना के डील के लिए राफेल एम या मरीन देने का ऑफर दिया है। भारतीय नौसेना अपने मिग 29 के विमानों की जगह पर नए फाइटर जेट चाहती है।
एक रक्षा सूत्र ने कहा कि राफेल एम को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन गोवा में आईएनएस हंसा पर तटीय इलाके में इसका परीक्षण किया जा सकता है। दसाल्ट को अपने राफेल जेट के नौसैनिक संस्करण पर पूरा भरोसा है और वे खुद ही इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में राफेल एम विमान भारत आएगा और इसका परीक्षण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना और दसाल्ट के बीच राफेल को लेकर बातचीत वर्ष 2016 से चल रही है। उसी समय वायुसेना के साथ 36 फाइटर जेट का समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में नौसेना ने 57 नए फाइटर जेट खरीदने के लिए इच्छा जताई थी। अब DRDO खुद का अपना प्लेन बना रही है और माना जा रहा है कि नौसेना अपनी विदेशी फाइटर जेट को खरीदने की संख्या को कम कर सकती है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे VKB News। नमस्कार।